और आज हम जो स्टार्ट करते हैं पैट के लिए वो सौर मंडल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सिलेबस में है वो आपका सौर मंडल है। अच्छा टॉपिक्स होता है, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बेटा हम क्रम से समझते चल रहे हैं। इससे पहले हमारा सौर मंडल का पहला पार्ट्स पढ़ चुका है, तो आप आराम से उसको देख लें, जल्दी ही पार्ट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखें तभी सौर मंडल कम्प्लीट होगा। अभी सूर्य ग्रह इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें सूर्य पढ़ाएंगे, सौर मंडल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी समझ नहीं लेंगे ज़्यादा। तो देखिए बेटा, सौर मंडल जो आपका है, ये सौर मंडल के सबसे पहले बेटा प्रवर्तक पूछे जाते हैं, जनक पूछे जाते हैं कि जनक कौन थे। तो इसको बताया किसने सबसे पहले, तो आप कहोगे इसमें कॉपर निकस ने बताया था। किसने बताया था बेटा? कॉपर निकस ने। ठीक है, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि सौर मंडल के जो जनक माने जाते हैं बेटा, वो कौन माने जाते हैं? कॉपर निकस माने जाते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पूछता है कभी कभी कि सौर मंडल का जन्मदाता, सौर मंडल का जन्मदाता का मतलब होता है कि जो जो ग्रह हैं, जो बेटा आपका मान लो ग्रह है, ग्रह तो वो किसके प्रति चक्कर मारते हैं, तो किसका ये प्रवर्तक माना गया, जनक कौन माना गया इसका। एक तो हो गया कि सौर मंडल का जनक क्या हो गया, लेकिन सौर मंडल में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो बेटा वो कौन है? सूर्य। ध्यान रखना कौन है बेटा इसमें? सूर्य। क्योंकि तो सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? ग्रह चक्र लगाते हैं। सौर मंडल में क्या होता है बेटा? ग्रह होते हैं। ग्रह सूर्य के चारों तरफ क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। तो इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। जब सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाएंगे तो इसी को बेटा क्या कहा जाएगा? आपका सौर मंडल कहा जाता है। समझ में आ गया? सौर मंडल और फिर आठ ग्रह इसके आसपास घूमेंगे, रोटेशन करेंगे, परिक्रमण करेंगे, सॉरी सर। ठीक है, तो क्या करेंगे? परिक्रमण करेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका सूर्य रहता है, तो आओ हम क्यों ना सूर्य को पहले पढ़ते हैं। देखिए सूर्य जो होता है उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तीन परतों में डिवाइड रहता है। कितने परतों में डिवाइड रहेगा बेटा ये? तीन परतों में। इस तरह से बेटा तीन परतें बनती हैं। अगर इसको हम जोन वाइज डिवाइड कर दें तो इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसकी बेटा जो पहली परत होती है, सबसे पहली परत, ये जो पहली परत होगी, पहली परत, इसे ये पहली परत, इसे संभान मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संभान मंडल बोलेंगे, संभान मंडल या संभान जोन कहते हैं, संभान मंडल या संभान जोन कहते हैं। ये आपसे पूछता है, तो पहला जो पहला पार्ट्स रहता है सूर्य का, पहला वाला पार्ट्स वो क्या रहेगा आपका? कौन सा जोन रहेगा? तो संभान रहता है। अगर दूसरी वाले की हम लोग बात करें, दूसरे वाला जो आपका है, ये दूसरा वाला है, इसे रेडियो एक्टिव बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव की अगर हम लोग बात करें तो इसे रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? रेडियो एक्टिव जोन कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरे की हम लोग बात करते हैं, तो बेटा ये कोर होती है। क्या कहलाएगी बेटा? कोर कहलाएगी। ये सब कोर कहलाती है, ध्यान रखना है। अलग अलग हम चित्र बना दे रहे हैं जिससे आपको बेटा समझ में आ जाए। तो ये जो सबसे थर्ड वाली है ना बेटा, ये क्या कहलाएगी? आपकी कोर कहलाएगी। अगर हम नंबर डाल दें तो पहली ये हो गई बेटा, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। तो इस तरह से बेटा तीन पेयर होती हैं, इसमें तीन जोन रहते हैं, तो इसे बेटा कोर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा इसे? कोर कहते हैं। क्या कहेंगे? कोर। ठीक है, ये तीन परत रहेंगे सूर्य की, इस तरह से आपको ध्यान रखना। पहली परत संभान कहलाती है, दूसरी रेडियो एक्टिव जोन कहलाती है, और जो तीसरी बेटा वो क्या कहलाएगी? आपकी कोर कहलाएगी। ये सूर्य की तीन परतें रहती है ना। अब इसी सूर्य की हम ये वाली जो परत है, जैसे ये वाली परत है ना बेटा इस तरह से, तो इसी तरह से बनेंगी परत। अगर हम इसको अलग से निकाल लें तो बेटा ये इस तरह से बनेंगे। तो इसी को हम बेटा जूम करके दिखाते हैं आपको, इसी पार्ट्स को जो हमने निकाला है, इतना काट कर जो निकाला है, इसी पार्ट्स को हम थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं ठीक क्या क्या इसमें होता है। ठीक है बेटा, तो इसी को हम लोग जूम करते हैं इसी तरह से, क्योंकि ये कट के निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा। तो ये वाली आपकी कौन कहलाएगी बेटा? कोर कहलाती है ना बेटा। और ये रेडियो एक्टिव कहलाएगी। कौन कहलाएगी? रेडियो एक्टिव। और सबसे लास्ट होगी वो कौन कहलाएगी? आपकी संभान कहलाएगी। कौन कहलाएगी? संभान कहलाएगी। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं, बड़ा सा करके देखते हैं, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से और एक नया चित्र बनाते हैं दूसरा। आपने सभी ने समझ लिया हुआ इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये सब हम रफ कर देते हैं, आपको याद रहना समझना, ये आपका बेसिक रहता है। और हम सूर्य को स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या? हम बेटा पहला पार्ट्स लेंगे, यहाँ पर हम बेटा लेंगे दूसरा पार्ट्स ले लेंगे, और यहाँ पर जो हम ले लेंगे बेटा वो हम तीसरा पार्ट्स ले लेते हैं। तो इस तरह से मान लो यही इसी तरह से बनेगी। अगर मान लो यहाँ पे, हाँ हम यहाँ पे भी एक रेखा खींच दें, तो अभी हमने छुटकू सा एक बनाया था, तो बिल्कुल आपको वैसा ही ये लगेगा। ठीक है बेटा, अगर हम देखें यहाँ से तो बिल्कुल सेम वैसा ही लगेगा जैसा अभी हमने बताया था आपको। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पूरा पूरा मिल जाएगा।
ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा देखें। तो ये बिल्कुल वही निकाला जो हमने तीन क्रम बताए थे आपको, तो उसी में समझ लेते हैं। ये जो सबसे पहले यहाँ पर बेटा होगा, ये क्या होगी आपकी कोर होगी, हमने आपको बताया भी था बेटा, ये क्या होगी आपकी कोर होगी। तो जो सूर्य में घटनाएं होती हैं, यानी कि जो विस्फोट होता है सूर्य में, क्या होता है बेटा, विस्फोट होता है। यहाँ दिखाई दे रहा, विस्फोट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो जो विस्फोट होता है यानी कि जहां पर क्रिया होती है, तो वो कोर में होती है। कहाँ होगी बेटा, कोर में होगी। अगर आपसे पूछे कोर में कौन सी अब क्रिया होती है, तो जो हाइड्रोजन है बेटा वो किस में रिप्लेस हो रहा होता है, हीलियम में हो रहा होता है। क्या होता है, हीलियम में। इसे हम लोग कौन, अब पूछे सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, तो आपको नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है बेटा, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होगा बेटा, इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक है। इसी इसी के अंदर विस्फोट होता है। इस कोर का बेटा तापमान कितना रहता है, इसका अगर पूछे कि तापमान कितना रहता है, तो आप बताओगे इसका तापमान बेटा जो रहता है, तापमान वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है बेटा, 15 डिग्री सेल्सियस, मिलियन रहता है। तो मिलियन के बारे में आप पता ही होगा कितना हो जाएगा, ये तो 10 लाख के समथिंग होता है, तो 150 लाख हो जाएगा समथिंग, ना ध्यान रखना ये। तो आपको हम डायरेक्ट बता देते हैं, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, समझ में आ गया। नाभिकीय होता है। फिर आपसे पूछेगा कि सूर्य की पूरी सतह होती है, जो सतह रहती है वो किस प्रकार की होती है, तो बेटा सतह की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम लोग, सतह की बात करें, तो सतह इसकी होती है प्लाज्मा टाइप की। कैसी होती है बेटा, प्लाज्मा, है ना। ना तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, और ना ही वो आपकी किस में रहती है बेटा, ठोस रहती है, वो बीच में रहती है, जैसे जेली टाइप की होती है ना, उस टाइप से। सही है, तो जेली टाइप का होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, प्लाज्मा कहलाता है। सही है, इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी को हम लोग कोर, जो कोर जोन था वो हम बता देते हैं। इसके अगला जो आपका को आता है वो विकिरण आता है। कौन सा जोन आएगा बेटा, विकिरण, विकिरण मंडल आता है। कौन सा का भाई, विकिरण मंडल आएगा। इसी को बेटा क्या कहते हैं, देखो नीचे दिखाई दे रहा है, यहां से विकिरण मंडल कहते हैं। इसी को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव। अगर आपको पता हो तो हमने एक चित्र बना के आपको सिखाया था, तो इसी को बेटा क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। क्या कहते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव कहते हैं। तो इसी को विकिरण मंडल कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। इसमें होता क्या है, इसमें बेटा किरणें निकलती हैं। कौन निकलेंगे बेटा, किरणें। यहीं से सारी किरणें जो अगर निकलेंगी ना, तो आपसे पूछेगा कहाँ से निकलती हैं, तो आप बता दो किरणें कहाँ से निकलती हैं, सारी के सारी यहीं से निकलती हैं। जैसे इसमें पहली आती है बेटा गामा किरण, कौन आएगी भाई, गामा किरण। और दूसरी कौन सी आ जाएगी आपकी, जल्दी बताइए कौन सी आएगी गामा किरण के बाद, दूसरी आती है आपकी एक्स किरण। कौन सा आएगी बेटा, एक्स किरण। तो ये सब आपकी रेडियो एक्टिव होती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी तो तीसरी आपकी कौन सी होंगी बेटा, बेटा परावैंगनी होती हैं। तो अगर देखा जाए जो गामा होती है ना बेटा, इसी को परावैंगनी कहा जाता है। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, परावैंगनी। परावैंगनी सभी जानते होंगे, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। और इन परावैंगनी किरणों को रोकता कौन है बेटा, तो आपको ओजोन रोकता है। कौन रोकता है, ओजोन, ओजोन परत जो है इसको रोक लेती है, ओजोन परत। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको वो 16 सितंबर को, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा, 16 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया जाएगा, 16 दिसंबर। इसका क्या होता है, जब ये पर्थ के ऊपर लगी हुई होती है, सबसे ऊपर रहती है, जब अल्ट्रावायलेट किरणें उसके नीचे आती हैं, तो ये उसको अवशोषित कर लेती है। और ये धीरे धीरे हमारी पर्थ क्या हो रही है बेटा, खत्म हो रही है। ये ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का अपरूप मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अपरूप। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का अपरूप क्या है, इससे पूरी तरह ओजोन को समझने नहीं कि आपको वायुमंडल देखने पड़ेंगे। हमारे जो वीडियो पढ़ा हुआ है, तो उसमें वायुमंडल सारे देख लें, हमने सारे का सारा वायुमंडल पढ़ाया हुआ है उसमें, तो आप और उसमें देख सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं होगा, तो इसके यूपी पैट के लिए एक स्पेशल वायुमंडल का वो आ जाएगा आपका वीडियो, तो आपको उसमें आराम से देख सकते हैं। वायुमंडल बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाया है, तो आपको इसको ध्यान रखना बेटा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परावैंगनी किरणें होते हैं। ठीक है बेटा, इसी में अवरक्त किरणें भी होंगी। कौन होंगी बेटा, इसमें अवरक्त किरणें। ठीक है, क्या होती है बेटा, अवरक्त, ये हीटिंग पैदा करती हैं। अवरक्त किरणें क्या करती हैं, हीटिंग पैदा करती हैं। जो परावैंगनी किरणें हैं बेटा, वो क्या करेंगे, आपको त्वचा रोग कर देती हैं। त्वचा रोग, जैसे ना कभी कुछ गोरे लोग देखेंगे आपने, तो उनके गालों पे स्पॉट पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक, नाक पे बड़ा स्पॉट पड़ते हैं। तो ये स्पॉट पड़ते क्यों है, तो ये परावैंगनी किरणों का कमाल होता है, क्योंकि बहुत तेजी से पड़ती हैं, काफी हीटिंग करती हैं ये। ठीक है भाई, तो ये परावैंगनी किरणों का, ये तो हमारा क्या कहलाता है आपका, विकिरण मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, विकिरण मंडल। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला मंडल आता है, देखिए ध्यान दीजिए। अगले मंडल में क्या होती है आपकी, सेल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसमें सेल, ये इस तरह से आपके बेटा क्या होते हैं, सेल। तो इस तरह से क्या होंगे बेटा, सेल होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ये सारे के सारे सेल होंगे। ठीक है बेटा, क्या होंगे ये आपके, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा,
सेल होते हैं। ये आपके 0 डिग्री से यहाँ रखना, और कहाँ तक जाएंगे आपके 40 डिग्री तक। कहाँ तक जाएंगे बेटा? 40 डिग्री, ठीक है। ये इस तरह से बने होते हैं सेल सबसे लास्ट में। और ये सेल बने होते हैं, इसी मंडल को क्या कहते हैं बेटा? सबसे बाहर वाला मंडल कौन होता है बेटा? संवहन मंडल। अभी हमने आपको बताया भी था, संवहन मंडल होता है। सबसे बाहर वाला जो मंडल होगा बेटा, ये क्या होगा आपका? संवहन मंडल होगा, ठीक है। ये जो रिंग होती है, ये रिंग क्यों होती है? आपके दिमाग में आएगा सर ये रिंगें क्यों होती है? इसलिए होती है, अगर मान लो विस्फोट बहुत तेजी से यहाँ हो रहा है, तो काफी तेजी से लपटें बाहर निकलती हैं, तो उन लपटों को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? लपटों को रोकने के लिए, अगर अगर मान लो ये रिंगे नहीं होती हैं, तो ये पूरे पूरे अंतरिक्ष में निर्जवालाएं घूम रही होती हैं, ठीक है। और किसी भी ग्रह पर कोई आपका क्या जीवन नहीं रह सकता था, क्योंकि मान लो पृथ्वी के पास तक आती है, मतलब पूरी पूरी लपटें वहां तक पहुंच जाती हैं, तो वहां तो सबको जला देती है वो, समझ में आया? तो इसलिए इसके बाहर वाले जो मंडल होता है, उसमें ये रिंग टाइप की बनी रहती है। और जब यहाँ पर भयंकर विस्फोट होते हैं, क्या होते हैं? भयंकर विस्फोट होते हैं, तो इसको जैसे ही बाहर भागती ज्वाला, तो इनको क्या करते हैं बेटा? ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑब्जर्व कर लेते हैं। मान लो यहाँ विस्फोट हुआ कोर में, तो इस तरह से ज्वालाएं निकलेंगी ऐसे करके, है ना बेटा? क्या निकलेंगे? इस प्रकार की ज्वालाएं निकलेंगी। तो ये ज्वालाएं ही आपकी क्या है? इनको ये रोकने का काम करती है। कौन काम करती है बेटा? कौन? सेल। और ये सेल पूछेगा किसके बने होते हैं? ये सेल किसके बने होते हैं? इसके सेल, आपकी सेल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? हाइड्रोजन की बनी होती है। ये सेलों में जब ये प्रवेश करती है ज्वाला, ज्वाला का विस्फोट कहाँ हो रहा है? कोर में, ठीक है। तुरंगे फरंगे कहाँ से निकल रही है? सब किरणें कहाँ से निकल रही है? यहाँ से निकल रही है, ठीक है। और यहाँ से ये बाईपास फेंक रहा है इसको तेजी से, सही है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो आपके सेल होते हैं, ये जो हाइड्रोजन सेल है, इसका तापमान पूछ रहता है कितने होता है? तो 1500 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 1500 से कितना होगा? 4000 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान होता है। अगर इसकी कोर की बात करें, यानी कि जो बिल्कुल बाहर वाली सतह है, जो बेटा क्या है? बाहर वाली सतह है। अगर इसका तापमान पूछे, क्या पूछेगा? इसका तापमान, तो जो बाहर वाली सतह है ना, इसका तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के जो बाहरी परत है, जो बिल्कुल बाहरी वाली सतह है, ठीक है, जैसे हम लोग क्रीट बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, उसी बोलते हैं, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कोरोना वाला क्रीट, सूर्य का मुकुट। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके बाद छोटी सी एक लकीर दिखाई देती है, उसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। सबसे बाहर वाली परत तो कोरोना कहलाती है। क्या कहलाएगी? कोरोना, समझ में आया? जिसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। जब इसके अंदर से ज्वाला गुजरती है, तो क्या होती है ना, कुछ ज्वाला जो होती है, जैसे मान लो यहाँ से कुछ गुजरी, तो कुछ तो ज्वाला होगी ना, वो ऐसे करके वापस आ जाती है। कुछ ज्वाला क्या है? वापस इसी रिंगों के अंदर, क्योंकि ये रिंग ना चीज़ों को बाहर ज़्यादा जाने नहीं देती है, वो रोक कर रखती है। अगर ये रोक कर ना रखे ना, तो हमारे पृथ्वी तक उसकी किरणें वो आ जाएं। जो आपकी ज्वाला है पूरा एकदम जल रही है, जैसे आग जलती है, कभी हवा चल रही है तो उधर ही भाग खड़ी होती है। तो ये उनको रोके रखती है, उनको क्या करती है? रोक के रखती है कि आप जा दूर नहीं जा सकते। बट फिर भी कुछ ये ताकतवर किरणें होती है ना, जैसे मान लो कुछ तो ये वापस आ गई इस तरह से, ये अपने पास ही क्या करेगा? खींच लेगा। बट कुछ किरणें है ना, वो फिर भी क्या होती है बेटा? बाहर चली जाती हैं। वो क्या होंगी? कुछ भी, ये तो कुछ तो बाहर निकल ही जाती हैं, ये इसे नहीं रोक पाता है, ठीक है बेटा। इनको सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जो किरणें बाहर की ओर निकल जाती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं। और ये कभी कभी हमें अंतरिक्ष में दिखाई देती हैं। क्या होती है बेटा? ये अंतरिक्ष में दिखाई देंगे आपको, एकदम अजीब से एकदम रोशनी दिखाई देती है। तो हम लोग कहते हैं साथ कोई किसी की आत्मा भटक रही है, तो वो हमें दिखाई दे रही है सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल। तो वो सौर ज्वाला होती है। वो सौर ज्वाला दिन में भटक गई होती है, तो रात में टहल रही होती है आराम से, तो वो सफ़ेद दिखाई देती है, क्योंकि सब चांदनी खिली हुई होती है, ठीक है। तो ये सौर ज्वाला कहते हैं। पृथ्वी के जब आसपास से जब सौर ज्वाला गुजरती है, तो आपके सैटेलाइटों में डिस्टर्बेंस हो जाता है। आपको काफ़ी टाइम सिग्नल नहीं मिलेगा, है ना, टीवी बिल्कुल चली जाएगी, है ना, कहने भाई साहब उसका कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। तो सब में होगा जब जब सौर ज्वाला गुजरेगी उसके आसपास से, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी हम बताएंगे पृथ्वी के ऊपर से सौर ज्वाला गुजरती है उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी के नीचे से गुजरती है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो पहले बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जो किरणें आपके हाइड्रोजन सेल से बाहर चली जाएंगी निकलकर, तो उन्हें सौर ज्वाला बोला जाता है। क्या बोलेंगे ने? सौर ज्वाला, ठीक है। इन्हें सोलर फ्रेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? यहाँ आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, सोलर फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर एक में ऐसा ही होता है। तो कुछ किरणें इसकी बेटा वापस आएंगी, और कुछ किरणें कहाँ चली जाती हैं? कुछ किरणें क्या होती हैं आपकी? आगे चली जाती हैं। तो कुछ किरणें तो इसकी वापस आ जाती हैं, और कुछ किरणें क्या होती हैं? आगे चली जाती हैं। तो इस तरह से ये क्या करेंगे? आगे करेंगे। तो इन्हें सौर ज्वाला बोला जाएगा, ध्यान रखना। यही क्रम सब में चलता है। हर बार में, हर एक जब चक्र स्टार्ट होता है, तो उसमें कुछ अंदर चली जाएंगी, और कुछ कहाँ चली जाती हैं? बाहर चली जाती हैं। तो इस तरह से आपकी क्या होंगी बेटा? बाहर चली जाएंगी, ठीक है। इस तरह से चलती रहती है। अब पूछता है कि इसका जो इवेंट है, यानी कि सौर ज्वाला का जो विस्फोट है, तो देखिए ये कोर है मान लो, तो कोर तो पूरी फैल के वही जा सकती है, लेकिन ये कोर इतने में विस्फोट करती है। तो ये नीचे में बेटा 0 डिग्री,
नीचे में कितनी 0 डिग्री और ऊपर 40 डिग्री। अधिकतम इसके विस्फोट होने की जो क्रिया रहती है वो इन्हीं 0 से 40 डिग्री के बीच में रहेगी। क्या रहेगी? 0 से 40 डिग्री। तो आपसे पूछ सकता है कि सौर ज्वाला का निर्माण कितने डिग्री पर होता है, तो 0 डिग्री से 40 डिग्री। और ये ऐसे विस्फोट होते रहते हैं, पहले 0 पे होंगे, फिर आगे यहाँ तक, फिर यहाँ तक, अधिकतम कहाँ तक चले जाएंगे? 40 डिग्री तक। 40 डिग्री कंप्लीट होने के बाद दोबारा ये हो जाता है, तो इसी को एक चक्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इवेंट चक्र बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? इवेंट चक्र। जब ये बार बार चक्र चलता रहेगा तो इसे क्या बोलते हैं? इवेंट चक्र बोलते हैं। सही है। जो किरणें क्या होती हैं बेटा? वापस चली जाती हैं। तो थोड़ी सी, क्योंकि देखो कोई व्यक्ति वापस तभी आएगा जिसका उसका कोई काम और जगह नहीं है, या कोई बहुत व्यक्ति कमजोर है। जैसे मान लो किसी ने धुतकार दिया, डांट दिया, मार दिया, तब तो बेचारा वो लौट के आ जाएगा, क्योंकि उसको कहीं और नौकरी नहीं है, तो बेचारा वहीं आ जाएगा, बोले इसी सुन लो कम से कम, है ना। तो वही हाल इसका होता है। तो इनके पास ना तापमान कम होता है, इनके पास क्या होता है? तापमान कम होता है, तीव्रता कम होती है, तो इसको बुला लेता है, यहाँ आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? तो बेचारा डर की वजह से आ गया। और जो ज्यादा पावरफुल होता है वो कहते हैं यहाँ, तो वो और तेज भागता है, बोले पकड़ लो मुझे। देखा है अक्सर वही छोटे छोटे बच्चे देखेंगे कभी कभी, अगर उन्हें डांटो तो बोले बेटा यहाँ आओ, मारेंगे नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो जो होशियार वालक होते हैं, तेज होते हैं, वो कहते हैं ना ना, ये जब कह रहे हैं ना मारेंगे नहीं तभी तो मार पड़ेगी, तो तुरंत भाग खड़े होते हैं बहुत तेजी से। और जो नॉर्मल बेचारा डरा डराया होता है वो कहे चलो पिटी लेंगे कम से कम, चलो चल रहे भाई, तो लौट के आ जाते हैं और इसको आपको वापस करते हैं। ठीक है। तो जिनके पास कम चीज होती है ना, तो इसको सोलर कलंक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सोलर कलंक। तो जो स्पॉट दिखाई देंगे, ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं यहीं पर ऐसे ही, तो इनको बोलते हैं क्या? सोलर कलंक। ये कहा जाता है, कहते ना भाई साहब इसने तो हमारे दूध को भी क्या कर दिया है? बेकार कर दिया, ये तो खानदान के नाम पे कलंक है। कहते हैं हमारे खानदान में सब IPS और IAS हैं, बट इसको IAS तो छोड़े, इस पर लेखपाल नहीं निकाली गई, समझ में? इसको लेखपाल छोड़े, इस पर पैट नहीं निकाली गई, ये तो हमारे खानदान पे क्या आ गया? कलंक आ गया। तो ऐसे सूर्य ये कहता कि देखो ये है शेर, भाग गए, छोड़ छाड़ गए, एक ये कलंक है जो तो कुछ कर ही नहीं सकते, समझ में आया? तो ये आपके ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे और इन्हें सोलर कलंक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सोलर कलंक बोला जाता है। बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। तो सोलर कलंक का तापमान कितना रह सकता है? अधिकतम 1500 से 4000 डिग्री। ये सौर ज्वाला भाग जाती है, इसका तापमान कितना होगा? अधिकतम 6000 डिग्री सेल्सियस। कितने होता है बेटा? 6000। तो जो आपका बाहर चला जाएगा उसका तापमान कितना होगा? लगभग 6000। ठीक है भाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो ब्लॉक स्पोर्ट, हाँ, जो सौर कलंक होगा इसे क्या बोलेंगे? सोलर ब्लैक स्पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर ब्लैक स्पोर्ट कहा जाता है। आई बात समझ में आता? अब ये चक्र कैसे चलता है उसको समझते हैं। ये चक्र आपका 0 से 40 तक चलेगा, है ना। कहाँ तक चलेगा? 0 से 40 चलेगा। ठीक है। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है, तो मैं ये चलो दिखा देता हूँ आपको। तो बेटा 0 से 40 डिग्री चलेगा। तो कैसे चलता है ये इवेंट ध्यान रखना है। इसे हम सोलर कलंक की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे? सोलर कलंक की बात करेंगे। ठीक है। 0 से 40 चलेगा, तो एक चक्र पूरे होने में कितना समय लगता है बताइए? एक चक्र पूरा करने में कितना समय लगेगा? इसे 5.5 वर्ष। कितना लगेगा? 5.5 वर्ष, या आधे वर्ष में लगता है? ये टोटल समय लगेगा। तो आधा चक्र पूरा करने में कितना समय लगेगा? पहले एक चीज समझो, चक्र समझो। 0 से 40 तक गया आधा चक्र, 40 से 0 तक आया तो पूरा चक्र। तो 0 से 40 तक जब जाएगा तो आधा चक्र होगा, और आधे चक्र में इसके लिए कितना लगता है? अर्ध चक्र में कितना समय लगेगा? तो आपको वो 5.5 वर्ष लगते हैं। तो फिर पूरा चक्र में कितना लगेगा? पूरा चक्र में कितना लगेगा? तो आपको 11 वर्ष लगेंगे। तो यानी कि पूरा एक, सिर्फ एक चक्र होने में 11 वर्ष लगते हैं। कितने लगते हैं? 11 वर्ष लगेंगे। ठीक है। अगर यही चक्र, जो एक चक्र है ना, अगर यही चक्र 100 बार पूरा हो, क्या हो? यही चक्र क्या हो? 100 बार पूरा हो, तो इसे सोलर इवेंट कहा जाता है। क्या बोलेंगे इसे? सोलर इवेंट। अगर यही चक्र बेटा अभी 11 वर्ष में हो रहा है, तो 100 बार चक्र अगर ये पूरा होता है तो उसे ही बोलते हैं क्या? सोलर इवेंट। पूछता कि सोलर इवेंट क्या है, तो आप बताओगे जो चक्र क्या हो, कितनी बार पूरा हो जाए? 100 बार पूरा हो जाए। तो अगर एक वर्ष में, अगर एक चक्र पूरा होने में 11 वर्ष लग रहे हैं, तो बेटा 100 बार पूरा होने में कितने लग जाएंगे इसमें? 1100 वर्ष। कितने लग जाएंगे? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो भाई, 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा, 100 वर्ष, 1100 वर्ष लगेंगे। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? 2013 में, 2013 में ये 23वां चक्र था। 2013 में कितना था भाई? 13वां चक्र था। ठीक है।
तो आप सोचो अभी आपको बहुत सारी जरूरत है, तब जाके सोलर इवेंट होगा। क्या होगा बेटा? सोलर इवेंट होगा। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है बेटा, इसको समझ लो आराम से। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप इसको, हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर किसी को बच्चे कोई दिक्कत हो तो बोलो। किसी बच्चे को अगर यहाँ पर दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हैं। जल्दी बताइए फटाफट। बोलो भाई शिव कुमार, कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? जल्दी बताओ। हैं? जल्दी बताओ, आगे बढ़े हम लोग, रफ कर दें से। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। इस सौर जूरा जो आपकी ज्वाला है ना, उसको याद रखना है। ये आगे जाकर अभी हम पृथ्वी से टकरवाएंगे कि पृथ्वी के आसपास होकर जाती है, अंदर तो आ नहीं सकती। क्यों नहीं आएगी ये? क्योंकि वायुमंडल तैयार बैठा हुआ है, तो वायुमंडल इसे आने नहीं देता, इसे प्रेशर मार देता है बाहर के लिए, तो ये आराम से फट जाती है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, अगर जैसे मान लो ये चीज़ बड़ी तेजी से चल रही है, इसके बीच में कोई चीज़ डाल लो तो इसके जो पीछे वाली चीज़ होगी वो सेफ हो जाएगी। समझ में आया? तो चलिए इसको समझते हैं आगे। ये वाली सौर ज्वाला आगे चली जाएगी। अब इसी को समझेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? एकदम आपको याद हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे। बाकी मैं इसकी डिटेल आगे भी बताता रहूंगा। इसको देखिए, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सोलर थी हमारी, ये आपकी, मान लो ये आपकी क्या हो गई? अर्थ हो गई। ये आपकी क्या हो गई बेटा? पृथ्वी हो गई। ये क्या हो जाएगी आपकी? पृथ्वी हो जाएगी। ये आपकी होगी पृथ्वी। सही है, एकदम आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। इसके आसपास क्या रहता है आपका? वायुमंडल रहता है। इसी पृथ्वी के आसपास क्या रहेगा? वायुमंडल रहेगा। बोलो भाई समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और ये वायुमंडल जो होता है ना, वो पृथ्वी के अंदर आने वाली चीजों को नष्ट करता रहता है। क्या करता है? नष्ट। और आपको याद हो हमने बताया था आयनन मंडल में आते ही क्षोभ मंडल में क्या लग जाती है? आग। सही है, वायुमंडल के वो जो आपका आयनन मंडल होता है उसमें आकर जलकर राख हो जाती है। एक हमारा नाम था कौन, कल्पना चावला था, क्या नाम था? अब वो भी आयन मंडल ने जलाई थी, क्योंकि तो वो गलत एंगल से एंट्री कर गई। सही है, और इसकी खासियत रहती है अगर गलत एंट्री से वो करोगे तो ये जला देगा। कौन? आयन मंडल। जिस प्रकार से कोई महामारी हमारे शरीर में जब एंट्री कर जाती है तो हमारे शरीर को पता नहीं रहता कि ये महामारी हमें नुकसान करने आई है। ठीक है, लेकिन अगर पहले से आप उसका एंट्री बोले लेते हो वायरस, तो फिर हमारी बॉडी पहचान जाती है। एक बार आप बीमार पड़ोगे, अगर बच गए तो दोबारा फिर एंट्री नहीं करने देगी बॉडी, जैसे ही जाएगा तुरंत मान लगेंगे, एंटीबॉडीज तुरंत टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। समझ में आ गया? तो ऐसे ही हमारे पृथ्वी का जो आयनन मंडल होता है, अगर कोई चीज़ गलत उससे एंगल से कर रही है तो वो समझ जाता है कि भाई साहब ये पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने वाली है। ठीक है, तो वहीं उसी पर क्या करती है? जलाकर राख कर देती है। सही है, जलाकर राख कर देंगे अंदर आए तो। सही है, समझ में आया? और सबसे ज्यादा वायुमंडल में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा दाब जो वायु दाब होता है वो कौन लगाती है? नाइट्रोजन लगाती है। कौन लगाई बेटा? नाइट्रोजन। समझ में आ गया? तो हमारा कम से कम शायद कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 78%। ठीक है, चले तो अब क्या होगी, जो आपकी सौर ज्वाला थी अब वो आएगी यहाँ पे टकराने के लिए, लेकिन ये जो वायुमंडल है इसे क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। तो ये इससे टकरा कर क्या करेगी? आसपास से गुजरेगी। क्या करेगी? गुजरेगी। तो सौर ज्वाला कुछ जो होती है ना वो ऊपर से गुजर जाती है पृथ्वी के, कुछ क्या होती है बेटा? ऊपर से गुजर जाती है। और जो कुछ सौर ज्वाला है वो कहां से जाएगी? नीचे से जाएगी। कुछ सौर ज्वाला कहां से गुजरती है बेटा? नीचे से। पृथ्वी को छोड़ जाती है। तो क्यों छोड़ जाती है? क्योंकि उसका जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के अंदर उसको एंट्री नहीं करने देता है, और प्रतिकर्षण के द्वारा इसको क्या कर देता है? भेज देता है। और ये पृथ्वी क्या हो जाती है? आपकी सेफ हो जाती है। समझ में आ रही? क्या हो जाएगी? सेफ। ये आपकी सौर ज्वाला है, इधर से कुछ नीचे से गुजरेगी, और कहां से गुजरेगी? कुछ ऊपर से गुजरेगी। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या बोलते हैं इसे? सौर ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? सौर ज्वाला बोलेंगे। बात समझ आ गई? ये इधर से ऐसे करके गुजरती चली जाएगी अपने आगे के लिए। ठीक है, आगे जाके फिर से ये मिल सकती है, लेकिन इसकी वजह से पृथ्वी पर लगे जो सैटेलाइट होते हैं, क्या लगे होते हैं? पृथ्वी पे लगे सैटेलाइट होते हैं, जो सैटेलाइट लगे होते हैं उनको क्या करता है? ये इफेक्टेड करते हैं। जो सैटेलाइट लगे रहते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि जब सौर ज्वाला आती है ना तो इसमें घर्षण होता है। क्या होता है? जैसे वायुमंडल का और जब टकराव होगा उसका, तो घर्षण होगा नहीं होगा, तो इसमें एक प्रकार की आवाज आती है, एक प्रकार की तरंगे निकलती हैं, और वो जाकर सैटेलाइट जो आपके लगे होते हैं उनको क्या करती है? डिस्टर्ब कर देती है। सैटेलाइट को क्या करेगी? डिस्टर्ब। समझ में आ गई बात? तो आपका संपर्क सैटेलाइट से टूट जाएगा कुछ टाइम के लिए। जैसे कभी कहते हैं कि यार आवाज नहीं आ रही है ना, आवाज आ रही तो किसी और की आवाज आ गई। ठीक है, तो ये सौर ज्वाला का काम होता है, ये आराम छिड़ चली जाती है, ऐसे गई आराम से आगे निकल गई। ठीक है, मार के आगे बढ़ गई।
समझा है, जैसे कभी होता ना कि बच्चे होते छोटे मोटे, कोई चीज तुमको बेटा ये छूना मत, तो वो आगे निकल जाएगा तो पीछे आगे फिर लात मारेगा, निकल जाएगा आगे लिए, समझा, वही काम कर। तो ये सौर पूछता कि सौर ज्वाला से क्या इफेक्ट होता है पृथ्वी पर, तो सबसे दूर संचार जो आपका होता है वो क्या हो जाता है बेटा, डिस्टर्बेंस हो जाता है, समझ में आ गया। तो जो सौर ज्वाला पृथ्वी के ऊपर से जाएगी, ये आपकी कौन है, पृथ्वी है, ये सब जानते ही होंगे। तो जो सौर ज्वाला यहां से कौन गुजर रही है आपकी, सौर ज्वाला, ठीक है, ये वायुमंडल होने की वजह से इसमें टकराव नहीं हो पाता और ये दूर से इसको प्रतिकर्षण कर देती है, बाहर भेज देती है। तो जो ज्वार आपका सौर ज्वार है वो आगे निकलती है, कहां, ऊपर जाती है, तो ऊपर वाली को क्या कहते हैं बताओ अंजलि, क्या कहा जाता है इसे, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, चले बेटा देखते हैं, नहीं पता कोई बात नहीं, ऊपर वाले को लिखते हैं हम लोग, लिखो अरोरा, अरोरा बोरियोलिस, क्या बोला जाता है इसे, अरोरा बोरियोलिस, और नीचे वाले को लिखो अरोरा, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है। जो पृथ्वी के ऊपर से सौर ज्वाला जाएगी वो अरोरा बोरियोलिस कहलाएगी, और जो पृथ्वी के नीचे से होकर गुजरेगी उसे क्या कहेंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले आपको याद भी रहेगी, नीचे आपके दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया होता है, तो इसे ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं नीचे वाले को, ध्यान रखना बस, ऐसे करें अगला वाला आपको याद हो जाएगा, बोलो क्लियर हो गया। तो बेटा ये सौर ज्वाला कितने लोगों को समझ में आ रही है बताओ, ये पृथ्वी के कुछ ऊपर से जाएगी और कुछ क्या होगी बेटा, नीचे से जाएगी, ऊपर वाले को ऑरियर, जो ऑरर है ना इसे पृथ्वी को ही कहा जाता है, तो दोनों में देखो लिखा हुआ है, सही है, जो अरोरा होता है वो किसे कहते हैं, पृथ्वी को ही कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहां तक याद रखना है आपको, समझ में आ गया बेटा। तो ये पृथ्वी के आगे पास जाएगी, जब वायुमंडल में और सौर ज्वाला में क्या होता है बेटा, घर्षण होता है, क्या होता है, घर्षण होता है, तो एक प्रकार की आवाज निकलती है इसमें से, क्या निकलती है बेटा, आवाज, कहीं भी घर्षण हो तो आपको आवाज मालूम पड़ती होगी, जैसे जूते में कभी पानी भर लो है ना, और फिर दो कैसे आवाज करते हैं वो, है ना भाई, करते नहीं करते हैं, हाँ, या जूता टाइट ज्यादा हो या फिर ढीला हो, ढीले में ज्यादा आवाज करता है, तो ढीले में आवाज करता है आपने देखा हुआ, तो ये एक साउंड होती है, घर्षण की साउंड होती है, तो यही होती है, सही है। जूते पहनकर उस पर चलते हैं तो कट कट की आवाज आती है, हम लोगों के तो जूतों में आती नहीं, हम लोगों की पट पट की आवाज आती है, कट कट की आवाज आती है, वैसे होते हैं चमड़े वाले जूते होते हैं, देखा आपने, तो मूवियों में अलग से साउंड डाली जाती है जूतों के लिए कट कट की, वरना इतनी कट कट आवाज सुना आएगी कि आदमी जग जाए पड़ोस का, इतनी कट कट आती है। अच्छा तुम्हारे जूतों में तो पड़ोसी जग जाते होंगे तुम्हारे चक्कर में तो, हाँ अच्छा हो सकता है, ये लड़कियों में जो ऊंची वो होती है ना एड़ी वाले, उनमें जरूर आती है, वो तो मुझे पता है कि उसकी तो आवाज कट कट की आती है, हैं, मोनो दो मंजिल की ना, पीछे दो मंजिल होती है ना, अगले सिंगल मंजिल होती है, तो पूरी आवाज करती है, ठीक है। चले भाई, तो लड़कियां महानता धारण करी हुई होती हैं, तो यहां तक बताओ पहले, कोई दिक्कत हो, अरे भाई लड़को इधर जान दो, हाँ भाई बताओ, बोला करो साथ साथ में, क्लियर हो गया यहां तक। सौर ज्वाला पृथ्वी के ऊपर वाली अरोरा बोरियोलिस, नीचे वाली अरोरा ऑस्ट्रेलिया, जब ये घर्षण होता है तो इसमें एक प्रकार की क्या निकलती है, आवाज निकलती है, साउंड निकलती है, तो उस साउंड को कहते क्या है, तो लोग इसे बिस्लर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिस्लर, बिस्लर, क्या बोला जाता है, बिस्लर, जब वायुमंडल और सौर ज्वाला टकराती है तो उस टाइम पर उसे क्या कहते हैं बेटा, जल्दी बताइए क्या कहते हैं उसे, बिस्लर कहते हैं, क्या कहते हैं, बिस्लर। बोलो यहां तक समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये तो आपकी सौर ज्वाला हो गई पृथ्वी में किस तरह से एंट्री करेगी, बोलो क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हो गया कॉपी रफ कर दें, जल्दी बोलो, तो भाई यहां तक समझ में आ गया, ये आपको पता क्या है, पृथ्वी के सात हमने आपको जो प्लेट्स होती हैं, जो आपके महाद्वीप होते हैं उनके बारे में बताया है, जब पृथ्वी की संरचना हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे उत्पत्ति हुई इनकी, है ना, तैतीस सागर क्या था, अंगारा लैंड क्या था, गोडवाना लैंड क्या था, पेंजिया था क्या, है ना भाई, समझ में आया, तो ये सब क्या था, सबसे पुराना वाला एरिया क्या था, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो ये सौर ज्वाला समझ में आ गई, सौर ज्वाला कहाँ से निकल के आती है, तो आपको हाइड्रोजन के जो सेल होते हैं वहां से निकल के आती है, और जो सौर ज्वाला वापस लौट जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सौर कलंक बोलते हैं, जो ब्लैक टाइप का होता है, और आधा चक्र पूरा, यानी कि 0 से 40 डिग्री जाने में चक्र कितना करता है, वो आधा करता है 5.5 साल में, और पूरा चक्र लेने के लिए कितना समय लेता है, तो आप बताएंगे पूरा कितना लेगा बेटा, 11 वर्ष मिलेगा।
एक सोलर इवेंट क्या होता है, तो आप कहोगे जब 100 बार ये इवेंट हो जाएगा, जब 100 बार ये चक्र मार लेंगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सोलर इवेंट बोलते हैं ना। तो 100 को लेने के लिए कितना, 1100 साल का समय लगता है। 2013 में कितने का समय लगा, सूर्य के किस भाग से सोलर किरणें निकलती हैं, एक्स गामा फोटोन, तो आपको विकिरण से यानी कि रेडियो एक्टिव से। सबसे ज्यादा विस्फोट कहाँ होता है, सूर्य के किस भाग में विस्फोट होता है, तो आप किस में बताओगे, किस में होता है, कोर, किस में होता है, कोर में होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, चले भाई आगे बढ़े, ठीक रफ करते हैं इसे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, और संरचना पढ़ते हैं इसकी, सूर्य की, फिर सूर्य को एकदम सही से पढ़ा देंगे आपको, पहले आप चीजें मैन मैन समझ लो। ये तो हो गया आपका सौर, अब हम बात करते हैं सूर्य की। अब सूर्य में अभी अगर आपको याद हो तो हमने बताई थी कि सूर्य में 3 परतें होती हैं, कितनी होंगी आपकी, 3, और ये सबसे नीचे होती है, ये इस टाइप से आपका क्या होता है, सूर्य होता है। चलो मैं ऐसे बना देता हूँ आपको, देखो चलो इसको छोड़ो, ऐसे बनाते हैं आपको, सूर्य सूर्य लगना चाहिए, फिर थोड़ा सा इस तरह से, जैसे आपके हमारे उसमें धारावाहिक में भगवान होते हैं ना, उनके पीछे इस तरह से चक्र दिखाया जाता है, याद है, तो हम वैसे लगेंगे ना, ये हमारी एक ज्वाला टाइप की हो जाएगी, इसके अंदर होगा फिर इसके अंदर होगा, इसी को हम लोग क्या कह देंगे, सूर्य कह देंगे, ठीक है भाई। चले तो सबसे बाहरी जो परत होती है सूर्य की, उसे क्या कहते हैं, सूर्य की सबसे बाहरी परत जो होगी उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बेटा क्या, कोरोना। क्या कहते हैं इसे, कोरोना। कोरोना को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्रीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रीट। और ये क्रीट को ही शायद सूर्य का मुकुट कहा जाता है, इसे क्या कहेंगे बेटा, सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूछे सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है, तो देखो ये मुकुट की तरह लग रहा है, जो हमारे धारावाहिक आते हैं अगर देखना, भगवान के पीछे ऐसे चक्कर चल रहा होगा एक घूमने वाला, है ना भाई, तो ये क्या कहलाता है आपका, कोरोना कहलाता है, क्रीट या सूर्य का मुकुट कहलाता है। आपको याद हो तो हमने इसी की जो तापमान बताया था वो कितना बताया था, तापमान कितना बताया था, 6000 डिग्री। तो जो बाहरी परत होती सूर्य की उसमें कितने का तापमान होगा, तो 6000 डिग्री का क्या होता है, तापमान होता है। बोले यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, क्लियर हो गया। चले अब बात करते हैं इसकी सेकंड परत की, तो ये वाली परत क्या कहलाती है, सेकंड परत क्या कहलाती है इसकी, इसे क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर को और क्या बोला जाता है, इसे शायद वर्णमंडल बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, वर्णमंडल। बहुत ध्यान से पढ़ना, ये वाले बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो क्रोमोस्फीयर होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमंडल बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा इसको, वर्णमंडल। और जो सबसे अंदर वाली होती है, जो सबसे अंदर वाली होती है इसको क्या कहते हैं, बोलो जल्दी, इसे क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, फोटोस्फीयर बोलते हैं। इसी को शायद प्रकाश मंडल बोलते हैं, प्रकाश मंडल। सूर्य के रंग में या प्रकाश में जो रंग दिखाई देता है वो वर्णमंडल की वजह से दिखाई देता है, ठीक है, इसे प्रकाश मंडल भी कहते हैं। ऊपर वाले इसे क्या कहेंगे, फोटोस्फीयर को प्रकाश मंडल, इसे क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोरोना यानी कि क्रीट कहते हैं। सबसे चमकीला भाग कौन सा रहेगा आपका, कोरोना रहता है, उसके बाद कौन है, क्रोमोस्फीयर, यहाँ से वर्णमंडल। वर्णमंडल का मतलब होता है जो रंग प्रदान किए जाते हैं ना, वो सब कहाँ से आएंगे, वर्णमंडल से आ जाते हैं। और जो आपका फोटोस्फीयर है वहां से प्रकाश, यानी कि इसी में क्या होती है, क्रिया होती है, किसकी क्रिया होती है, एच से हाइड्रोजन बनने की, क्या होती है, एच से हीलियम बनने की, एच से हीलियम बनती है, और इसी में क्या कहलाती है, संलग्न होता है। तो सेल की क्रिया कहाँ होगी आपकी, फोटोस्फीयर में होगी, कहाँ पर होगी, फोटोस्फीयर में। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो अगर कुछ हो। ये आपका ये जो क्रीट होती है ना, ये ज़्यादातर आपको सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देगी, और जब सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है ना, तो इसका तापमान बढ़ जाता है, इसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और 27 लाख डिग्री सेल्सियस हो जाता है जब उस टाइम पर दिखाई देगी क्रीट, ठीक है। और वैसे नॉर्मल आपका 6000 रहता है, बाकी नॉर्मल कितना रहेगा बेटा, 6000। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो जल्दी नोट करो, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, क्लियर हो गया यहाँ पर। चले अब कुछ हम के गैसों की बात कर लेते हैं, वैसे हमने नॉर्मल आपको बता दिए और काफ़ी हद तक इसमें चीज़ें बता रखी हैं हमने। ठीक है, चले अब कुछ और बातें कर लेते हैं छोटी छोटी, ये मेन मेन बातें हमने आपको बता दी हैं।
तो बेटा आगे बढ़े इसको, यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? आज सूर्य हम खत्म करना है, तो ग्रह इतने बड़े बड़े नहीं है जितना आपका सूर्य है, बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं। फिर हम लोग ब्लड मून क्या होता है, ये सब क्या होता है, सूर्य ये सब हम लोग पढ़ लेंगे वहां पर। चले तो आगे बात करते हैं। तो सूर्य चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है यहाँ पर, सूर्य। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी, इसकी जो गति होती है घूमने की, भाई धुरी के प्रति जो घूमेगी क्या होगी बेटा, धुरी के प्रति जो घूमती है ये किधर घूमती है, दिशा किधर है इसकी, सूर्य की दिशा किस साइड में है आपकी, तो इसमें लिख लो बेटा दिशा कैसी है इसकी, घूमने की दिशा कैसी है सूर्य में, घूमने की दिशा किस प्रकार से, मतलब किधर से किधर घूमती है, ठीक है भाई? तो बता सकते हो कहाँ घूमता है सूर्य, किस टाइप से घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कहाँ से घूमेगा ये? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से कहाँ घूमेगा? पश्चिम की ओर। तो सूर्य के घूमने की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है बेटा? पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, ठीक है? पृथ्वी से ये कितना गुना ज्यादा होता है, अगला पॉइंट बना के हम लोग लिख लेंगे, पृथ्वी से कितना गुना होगा, पृथ्वी से गुना, और किसका गुना पूछा गया है? तो गुरुत्वीय आकर्षण, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय है वो सूर्य की तुलना में कितना गुना है, मतलब सूर्य का जो गुरुत्वीय है वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग कितना गुना है, ठीक है? तो सूर्य में जो गुरुत्वीय है ना वो 28 गुना है। कितना है? 28 गुना। क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछ लेगा कि जो आपका क्या है, पृथ्वी में गुरुत्वीय है उसका 28 गुना ज्यादा है किसमें, सूर्य में। तो अगर पृथ्वी जो है वो 1 किलो के वजन को उठा सकती है गुरुत्वीय की वजह से, तो वो 28 किलो के वजन को उठा सकता है, ठीक है? इतना है, तो ध्यान रखना सूर्य का गुरुत्वीय ज्यादा है, पृथ्वी का क्या है, कम है। 28 गुना ज्यादा है किसमें बेटा, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें सेकंड पॉइंट में, तो ब्यास, जो पृथ्वी का ब्यास है, हम तुलना कर रहे हैं किससे, पृथ्वी। तो पृथ्वी का बेटा जो ब्यास है ठीक है बेटा, देखें तो जो आपका पृथ्वी का ब्यास है वो सूर्य की तुलना में कितना कम है, या सूर्य का ब्यास है वो पृथ्वी की तुलना में क्या है, ज्यादा है। तो लिखो जो सूर्य है वो पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। ब्यास के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सूर्य क्या है, 109 गुना बड़ा है पृथ्वी से। लिख लिया? अगर आयतन में बात करें, आयतन में पृथ्वी की तुलना हो रही है सूर्य से, तो आयतन में सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, सूर्य से कितना बड़ा है आयतन के, ये ब्यास की बात हो गई थी, ब्यास मतलब त्रिज्या के बारे में, तो त्रिज्या में 109 गुना है इसकी, एक त्रिज्या मतलब ब्यास में और इसकी 109 गुना, तो सूर्य इससे 109 गुना बड़ा है ब्यास में। आयतन में पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है, तो लिखो कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना है, 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य लगातार बड़ा हो रहा है, देखो सही है भाई, ये सब जो हम क्वांटिटी लिख रहे हैं सूर्य की लिख रहे हैं, गुरुत्वीय में सूर्य 28 गुना बड़ा है पृथ्वी से, आपका ब्यास में 109 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से, और पृथ्वी से ये क्या है 13 लाख गुना बड़ा है। कितना है? 13 लाख गुना बड़ा है किससे भाई, आयतन में, कौन, सूर्य। अगली बात करते हैं हम लोग, जो सूर्य का देखिए बेटा तुलना चल रही है हम लोगों की पृथ्वी से, कि पृथ्वी से सूर्य कितना गुना लंबा है, इस बात की हम लोग, तो पृथ्वी से क्या चल रही है बेटा, तुलना चल रही है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हमने काफी चीजें आपको बता दी हैं कि आयतन कितना है, भारी कितना गुना है उससे, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो आप इसको हम लोग बात करते हैं कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की तुलना में सूर्य पूछ रहे हैं बेटा, क्या पूछ रहे हैं, पृथ्वी। अब आप समझ जाना ऐसे है ना बेटा, तो सूर्य से तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितने आयतन में, किसमें बेटा, सूर्य आयतन में, आयतन में पृथ्वी से, ठीक है, कितना आयतन में पृथ्वी से कितना गुना है, कितना गुना है, तो आप कहोगे 13 लाख गुना है बेटा, कितना बड़ा है पृथ्वी से, 13 लाख गुना बड़ा है। आई होगी बात समझ में आपको, अगर सूर्य को हम देखें तो पृथ्वी के तुलना में सूर्य 13 लाख गुना क्या है बेटा, बड़ा है, बड़ा है, क्या है, 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य बड़ा है, हर एक बार में तुलना में बड़ा हो रहा है सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो सूर्य है क्या है बेटा, सूर्य, तो सूर्य का जो प्रकाश है, मान लो ये सूर्य है आपका और सूर्य का प्रकाश है, ये हमारी बेटा क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है हमारी बेटा, पृथ्वी है। भाई इंद्र जी क्या है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और हम पृथ्वी बना देते हैं इसको, और ये हमारे सब
ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका अटलांटिका हो जाएगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा अमेरिका, और ये दक्षिण अमेरिका। तो ये मान लो पृथ्वी है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलेगा, प्रकाश निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। तो ये पूछता है कभी कभी आपसे कि सूर्य जो का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में, कहाँ तक पहुँचने में बेटा, पृथ्वी तक पहुँचने में कितने का टाइम लेता है, यानी कि समय कितना लेता है। समझ मारे बेटा आपको पॉइंट, समझ मारा कि जो आपका सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी तक जाने में कितना समय लेगा, तो ये कितना समय लेता है? तो आप बताओगे 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकंड। कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ये 20 सेकंड बेटा कहीं कहीं आपको 16 सेकंड भी दे रखा होता है, तो ये बहुत इशू की बात नहीं होती है। तो आपको जो ऑप्शन में डिपेंड करता है कि आपको क्या देगा। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, ये बेटा आपका सूर्य हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपकी पृथ्वी हो जाएगी, क्या हो जाएगी पृथ्वी। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि कितना समय ये लेगा। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो सूर्य है, जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना भारी है। सूर्य पृथ्वी से, पृथ्वी से कितना भारी है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, इनको ध्यान रखना। भारी है तो आप बता सकते हैं कितना भारी है। तो आप कहोगे बेटा ये 13 लाख है, सॉरी 3 लाख है। 3 लाख क्या है बेटा? ये भारी है, ध्यान रखना। सूर्य पृथ्वी से कितना भारी है, तो आप बताओगे 3 लाख भारी है। तो ये किसमें हो जाएगा आपका? 3 लाख गुना भारी है, आप इसे कह सकते हो गुना भारी है। कितना है बेटा? 3 लाख गुना भारी है, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें होती हैं। यहाँ तक किसी कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गई होगी। तो इसको नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और बात करते हैं कि सूर्य में है उसके अंदर कौन कौन सी गैसें हैं, कितने परसेंट पर रहती हैं, कितना कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सूर्य को बनाते हैं, आपको बढ़िया करके समझा देते हैं उसको, तो आप उसको समझ में आना है। ये हमारे सूर्य हो गए, सूर्य हो गए। तो इसमें हम बेटा गैसों की बातें करेंगे, क्या करेंगे? गैसों की बातें करेंगे कि गैसें कितनी है। तो इसमें बेटा पहला आ गया आपका कौन? हाइड्रोजन। फिर कौन आएगी आपकी बेटा? हीलियम। और लास्ट में आपकी कौन आती है बेटा? हीलियम हो गई। हीलियम के बाद आती है लिथियम, Li बोलते हैं इसको, Li। तो लिथियम में लिख देता हूं आपको लिथियम। और फिर इसी में बेटा होगी कौन? यूरेनियम, यूरेनियम। ये गैसें होती हैं आपके सूर्य के अंदर, क्या होंगे बेटा? ये गैसें होंगी। हाइड्रोजन कितनी होती है बताओ भाई योगेंद्र जी? 71% होती है। कितनी होती है? 71। हीलियम जो होती है वो क्या होती है आपकी? 26.5% होती है। बाकी लिथियम और यूरेनियम जो दोनों होंगी वो बेटा कितने हो जाएंगे? 2.5% हो जाएंगे। ठीक है, अगर सबसे बाहरी तत्व पूछता है, क्या पूछेगा बेटा? बाहरी तत्व। तो सबसे बाहरी अगर तत्व है वो कौन है आपका? यूरेनियम है। तो ये बाहरी तत्व है, बाहरी एलिमेंट्स है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह गैसें जो है वो सूर्य के अंदर रहती हैं। तो आपसे पूछ लेगा सबसे महत्वपूर्ण बेटा कौन रहती है? हाइड्रोजन हीलियम है। पूछेगा किन गैसों का रूपांतरण होता है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन का रूपांतरण होता है बेटा किसमें? हीलियम में होता है। किसमें बेटा? हीलियम में होगा। हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम में, हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम में, यही विस्फोट चलता रहता है इनका। और ये विस्फोट कैसा होता है, कैसी क्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, आपके ध्यान रखना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस बात को, थोड़ा यहां तक समझ में आ गया आपको। तो ये तो आपकी होगी बेटा क्या? गैसें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सूर्य के बारे में। और अब आपको एक चीज बता देते हैं हम यहाँ पे छोटी सी। देखिए आपका अक्षांश देशांतर का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसमें हम अक्षांश देशांतर के बारे में एक छोटी सी डिटेल बता देते हैं आपको। मान लो ये पृथ्वी है आपकी, ये वाला जो आपकी भाग होता है ये हमारा क्या कहलाता है? विषुवत रेखा कहलाता है। और ये आपका देशांतर कहलाता है, ऐसा वाला बेटा क्या कहलाएगा? देशांतर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, इसके नीचे दो रेखाएं रहती हैं, ये आपने पढ़ी हुई होंगी। तो बेटा ऊपर जो रहती है वो 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। क्या होती है बेटा इसको? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो ये बेटा कैसी अक्षांश होगी, तो ध्यान रखना, इसे बेटा हम कर्क रेखा भी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? कर्क रेखा। भारत के कितने से गुजर के जाती है कर्क रेखा बताओ भाई योगेंद्र? कितने से जाएगी? ये दक्षिणी होगी, आप लोग भी बता सकते हैं, दक्षिणी अक्षांश। तो 800 के जाएगी बेटा। कितने से जाएगी? अगर भारत के राज्य पूछता है, भारत के राज्य कितने राज्यों से होकर जाएगी, तो आप कहोगे 08। 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है, दक्षिणी अक्षांश है बेटा ये। और इस दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मकर रेखा। अब आपको लगता होगा सर आप क्या सूर्य के बीच में मकर और पढ़ाने लगे हैं। ठीक है बेटा, ये जरूरी है। देखिए
सूर्य दो ही जगह लंबवत हो सकता है बेटा, सूर्य क्या हो सकता है, दो ही जगह लंबवत हो सकता है। एक तो आपका बेटा क्या होगा, कर्क रेखा के लंबवत होगा, क्या होगा बेटा, कर्क रेखा के लंबवत होगा, ठीक है बेटा। और एक क्या होगा बेटा, मकर रेखा के लंबवत होगा, क्या होगा बेटा, मकर रेखा के लंबवत होगा, मकर रेखा के क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। एक कर्क रेखा के लंबवत हो सकता है और एक क्या होता है बेटा, मकर रेखा के लंबवत हो सकता है। तो आपसे ये पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि जो सूर्य है वो अगर कर्क रेखा के लंबवत है, क्या है बेटा, कर्क रेखा के लंबवत है, तो कर्क रेखा के क्या होगा बेटा, लंबवत होगा, ठीक है बेटा, कैसा होगा, लंबवत होगा। तो कर्क रेखा के अगर लंबवत है सूर्य, क्या है बेटा, कर्क रेखा के लंबवत है, तो ये दो ही जगह कर्क रेखा के लंबवत हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा के अगर ये लंबवत है तो किस टाइम पर लंबवत होगा, और अगर मकर रेखा के लंबवत है तो किस टाइम पर ये बेटा लंबवत होगा। ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, क्या पूछेगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के कब लंबवत होता है, ये आपको बताना है। दूसरी कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि अगर सूर्य मकर रेखा के लंबवत है, और कब होता है ये मकर रेखा के लंबवत, मकर रेखा के क्या हो, मकर रेखा के लंबवत हो, क्या होगा बेटा, मकर रेखा के लंबवत हो। तो दो ही कंडीशन हो सकती है, आपको ये पता रखना है कि कर्क रेखा के लंबवत कौन है और मकर रेखा के लंबवत कौन है, ये चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा के जब लंबवत होता है तो उस दिन कौन से दिन होता है बेटा, 21 जून को होता है, क्या होता है बेटा, 21 जून को, 21 जून को ये क्या होता है बेटा, कर्क रेखा के लंबवत होता है। बात समझ में आ गई नहीं, देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है 21 जून को होता है। अब 21 जून को होगा क्या, तो उत्तरी गोलार्ध में, अब आपका उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, देखो समझो, यहां पर ये मान लो पृथ्वी है, तो इसका ऊपर वाला भाग बेटा क्या कहलाएगा, बोलो बच्चे क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, क्या कहलाता है बेटा, उत्तरी, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, क्या कहलाएगा बेटा, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। तो 21 जून को क्या होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में, किसमें बेटा, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन क्या होगा बेटा, सबसे बड़ा दिन होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। लंबत अगर कर्क रेखा के है तो कब जाता है, डायरेक्ट लंबत कब जाएगा, और 21 जून को गर्मी भी काफी होती है, तो 21 जून को जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में, किस वाले में बेटा, इस वाले गोलार्ध में, इस गोलार्ध में क्या होगा बेटा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है बेटा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो आपको सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। अगर मकर रेखा के लंबवत है बेटा, अगर क्या है, मकर रेखा के लंबवत है, तो बताओ क्या होगा, चलिए बताओ, तो 22 दिसंबर को होता है, क्या होता है बेटा, 22 दिसंबर को, तो क्या होता है इस दिन, क्या होता है इस दिन, जल्दी बताइए, सबसे 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी, चलिए बताइए, सबसे बड़ी क्या होती है बेटा, रात होती है, तो इस दिन क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी रात होगी, सबसे बड़ी रात होती है, कहां होगी बेटा ये, तो ये भी बेटा क्या होती है, दक्षिणी गोलार्ध में होगी, नहीं सॉरी, ये मकर रेखा के अगर लंबत है तो फिर ये कहां हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें रहती हैं, आपको ध्यान रखना है, इस उत्तरी गोलार्ध में एक देश पड़ता है यहां पर, इसे नॉर्वे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, नॉर्वे, ठीक है। 21 जून को ही, 21 जून को ध्यान रखना, क्या कहते हैं बेटा, 21 जून को जब नॉर्वे में 6 महीने का रात, 6 महीने की दिन चल रहा होता है, उसी टाइम पर यानी कि 21 जून को, क्या बेटा, 21 जून को रात में कितने बजे, 12 बजे, यहां पर सूर्य क्या होता है बेटा, आपको दिखाई दे जाता है, क्या होता है, दिखाई जाता है, 3-4 घंटे के लगभग यहां पर रहता है, इसलिए नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है, क्या कहते हैं बेटा, अर्धरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है यहां तक, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, इसके बाद एक छोटी सी डिटेल है बेटा, आप उसको भी समझ लेते हैं, एक दो डेट और आती है आपकी इसमें जो आपसे पूछ लेता है, एक आती है बेटा 21 मार्च, कौन आएगी बेटा आपकी, एक 21 मार्च, और एक आती है बेटा 23 सितंबर, ठीक है बेटा, 23 सितंबर। तो आपको पता चलना चाहिए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को होता क्या है, तो इस दिन क्या होते हैं, दिन और रात बेटा क्या होंगे, बराबर होंगे, दिन और रात क्या होंगे, बराबर होंगे, दिन और रात बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है, दिन और रात क्या हो जाते हैं बेटा,
बराबर हो जाते हैं, ठीक है। दिन रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए दिन रात बराबर का मतलब होता है, देखिए अब आपको समझाते हैं। देखो मान लो यहाँ 22 दिसंबर था, तो ये अब यहाँ से क्या होता है, दिन बढ़ना स्टार्ट करता है। क्या करेगा बेटा, दिन बढ़ना स्टार्ट करता है। तो हम लोग कहते हैं 25 दिसंबर को बड़ा दिन होगा, तो उस दिन से दिन बढ़ना स्टार्ट करता है और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते 21 मार्च को जैसे ही आ जाएंगे, उस दिन दिन और रात कैसे जाएंगे, मान लो रात भी दिन बढ़ रहा है, रात भी बढ़ रही है, तो दिन रात बढ़ते 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 कैसे जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो किस दिन समान होंगे जाके, ये 21 मार्च को, और जब 21 मार्च को समान हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा बेटा, दिन आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, है ना भाई, दिन बढ़ता चला जाएगा। और जब सितंबर की डेट आएगी तो दोबारा फिर क्या होगा बेटा, फिर से दोबारा बराबर हो जाएंगे। तो दिन रात क्या हो जाएंगे, बराबर। तो दो जगह बराबर होते हैं, एक जगह 21 मार्च को होते हैं और एक जगह क्या होते हैं, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते ही फिर दिन लगातार छोटा होता जाता है और रात बढ़ती जाती है, सही है। और 21 मार्च को जब बराबर होते हैं तो दिन बढ़ता चला जाता है, और फिर क्या होता है, 23 सितंबर को क्या होगा, रात बढ़ना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके दिन रात क्या होते हैं, बराबर। तो दो डेटें आपको ध्यान रखनी है, एक आपको 21 जून याद रखनी है, एक 22 दिसंबर याद रखनी है, एक 21 मार्च 23, ये दोनों हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या कर्क रेखा है, क्या मकर रेखा है, इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझे फटाफट जल्दी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दें। ठीक है। और सूर्य पूरे सौर मंडलों को क्या देता है बेटा, पूरा प्रकाश देता है, ध्यान रखना। और जो सूर्य का प्रकाश होता है, अभी हमने बताया था आपको, जो सूर्य है, सूर्य है, और ये हमारी क्या है बेटा, पृथ्वी है, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे मान लो प्रकाश, अभी हमने बताया था कि कितने मिनट में जाता है यहां पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ये तो हम बता चुके हैं अभी सूर्य से। लेकिन कभी कभी पूछता कि इसकी स्पीड क्या होती है, इस प्रकाश की, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है उसकी स्पीड होती क्या है, है ना भाई, इसकी स्पीड पूछेगा आपसे, पूछेगा कि कितनी स्पीड से चलता है ये। वैसे तो याद होगा आप लोगों को, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। तो कितना चलता है बेटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, कितना चलता है बेटा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है ये, क्या है बेटा आपका, सेकंड है। तो यहाँ 3 × 10^8 करके भी हम क्या करते हैं बेटा, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकता है वो, तो या तो पूरा दिया हुआ 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 3 × 10^8 किलोमीटर प्रति सेकंड भी आपको दिया होगा। तो ये प्रकाश की क्या है बेटा, निर्वात में चाल है, अगर ऐसे पूछ ले या डायरेक्ट पूछ ले आप तो प्रकाश की क्या है ये बेटा, चाल है। प्रकाश की क्या है बेटा, चाल है। तो सूर्य द्वारा जो प्रकाश आता है वो यहाँ तक आपका आ जाता है, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखना, तो प्रकाश की अगर स्पीड पूछी जाएगी तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है, इसकी प्रकाश की क्या होती है, स्पीड बता सकते हो। तो सूर्य जो आपका बेटा है वो समाप्त हो गया पूरी तरह से, ठीक है। और अगले नेक्स्ट उस पर हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे ग्रहों के बारे में। तो ग्रह प्रारंभ कर देंगे हम लोग, जैसे हमारा सूर्यमंडल तैयार होता है, आपका पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बुध, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तो आज के लिए सूर्य हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय भारत, जय हिंद।